ब्रेकिंग न्यूज छोड़, ब्रेकिंग एडवर्टाइजमेंट है बॉस। बड़े डायरेक्टर की बड़ी पिक्चर के लिए आज एक्टिंग ऑडिशन हो रहा है। चोरों का राजा और जाबाज पुलिसमैन, इससे अच्छा ब्रेक नहीं हो सकता। खड़ा क्या है, बाथरूम जा, चमक जा। राजा कौन? सबसे होशियार जाबाज पुलिस ऑफिसर कौन? ये देखिए लवली सर, ये एक पिक्चर के रोल के लिए आज ऑडिशन हो रहे हैं। ब्रांडिंग मार्केटिंग का जमाना है बॉस, अच्छी पैकेजिंग भी मांगता है, सिर्फ हेयर नहीं, हेयर स्टाइलिंग भी मांगता है। ये झबरू बनकर घूमेगा तो कैसे काम बनेगा? अपुन करे तो क्या, वहां देख। जो बाहर फोटो में रॉकस्टार है ना, वैसा अपुन को भी सेम टू सेम हेयर स्टाइल मांगता है। आप पर पहले एक फर्स्ट क्लास चंपी। नया हेयर कट कराना है, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें यही वेट करना होगा। ओके ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब तुम्हारी आंखें खोल सकता है। आइला, अपुन इतना डैशिंग है, अपुन को अभी तक पता ही नहीं था मैन। बदतमीज। तू तितली नू आंख मारेगा तो लवली तुझे लात मारेगा। थोड़ा पाउडर मेकअप तू भी लगा ले। ओए, बाल के साथ तेरी अकल भी कटवा ली तूने? कटवाई नहीं, अपुन की अकल भी और स्टाइलिश हो गई है। Yeah.
बास्केट। पांडु हवलदार, इतना जोरदार झटका देकर डरा दिया। लवली साहब, ये कप चाय से काय का डर? करेक्ट। असल में एक बात है जो आजकल मेनू परेशान कर रही है। जब मैं छोटा बच्चा था, एक गर्मी की छुट्टी मनाने मम्मी जी पापा जी के साथ मैं मुंबई आया। एक दिन कॉलोनी के बच्चों नाल फुटबॉल खेल रहा था कि तब हमारी फुटबॉल पास के एक पुराने तार में चली गई। बाकी लड़के पीछे हट गए, पर सब में से बहादुर बन मैं फुटबॉल वापस लाने उस भूत बंगले में अकेला ही चला गया, जिसे सब भूत बंगला कहते थे। ओए भूत शूत कुछ नहीं होता। बंगला भी मेरा, ये फुटबॉल भी मेरी, भाग जा। एक बात और, हम फिर जरूर मिलेंगे 20 साल बाद। टाटा। आज वो 20 साल पूरे हो रहे हैं। लवली साहब, तब आप छोटे थे, इसीलिए आसानी से डर गए होंगे। बहुत बहुत कुछ नहीं होता है साहब, कुछ नहीं। है? बात कुछ समझ नहीं आई, जरा देखूं तो। कोई बड़ी प्लानिंग लगती है बॉस, ये बात अपने पल्ले तो नहीं पड़ी जो सबको इनविटेशन मिल रहा है। वैसे वहां जाकर देखना बनता है, क्या भूत भी बर्थडे केक काटते होंगे। पांडु, मेरे साथ अभी चल, पूछताछ करनी है। ये साहब, वो वापस थाने चलकर सोच लेना। नहीं, हम यहीं रहकर पता लगाएंगे। किससे लवली साहब? पूत बंगले में जो पूत रहता है उसे। मैनू तो शक है, इस सब के पीछे उस एंथनी का ही हाथ है। का सामान यहाँ कहाँ छिपा कर रखा है? अब चुपचाप निकाल दे। तुम चाहो तो अपुन को अंदर कर दो, पर मैं अपुन तेरे को रिक्वेस्ट करता है, इस बंगलो का सीक्रेट किसी को बोलना नहीं, वरना यहाँ रहने वाले सब बच्चे और बुजुर्ग लोग सड़क पर आ जाएंगे, पर वहां भी तुम्हारा थानेदार लोग उनको डंडा बजाकर भगा देगा। सर्दी में, गर्मी में, बारिश तूफान में, ये सब फिर कहाँ जाएगा मैन? ओए, तूने दिल जीत लिया एंथनी, जीत लिया। Yeah!